तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। बेसिकली वही सेम दिन है, मैं गाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ और फिर से आ गया यार। मेरे को लगा था अभी तक घर जा चुका है लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या है तेरे को फिर से क्यों लगाने आ गया? मेरे पास तेरे लिए एक डील है। अच्छा तू मेरे को डील देगा? तो ये चोबू बंदा मेरे लिए डील लेके आया है। चल बता क्या लिखा है। ये पेन ले रहे हैं इसकी, ये पेन ले। चल ले पेन ले। क्या लिखेगा? चिट्ठी लिख रहा है, बस ये लिख रहा है एवरीथिंग ऑन माय लिस्ट। ये कौन से कीड़े मकोड़े तूने डाले हैं यहाँ पर? क्या कर क्या रहा है भाई? पहले मेरे को ये बता इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा 10,000 pounds। ये तेरी लिमिट है, गो बाय न्यू कार। अरे तू चोबू मेरे को गाली देगा सर? ये ले कार्ड। क्या कार्ड? भी हाथ में घुमा के रखे इसने, हाथ में दिया हुआ भाई। ला ला भाई, नाइस। तो ये गाइस इसका कार्ड मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ऑब्वियसली मैं इसका कार्ड नहीं दिखाऊंगा। तो मेरी लिमिट है 10,000। क्या है ये पाउंड? तेरे को मेक श्योर करना कि 10,000 pounds में से एक पैनी भी नहीं बचनी चाहिए। आज भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है। प्रॉब्लम खतरनाक वाली आ चुकी है। मेरी गाड़ी खराब है तो हमें यहाँ पर टैक्सी से निकलना पड़ेगा। 500 बार इस दुकान के अंदर मैं आ चुका हूँ और 500 बार ये चोंगो बंदा मेरे को अभी ये लेके आया। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो अपने शादी के लिए घूम रहे हैं यार। इतने सारे ऑप्शन मेरे को चोंगो बंदे ने देके रखे हैं। तो मेरे को मेक श्योर करना की 10 तक गाड़ी मिल जाए पूरे, ना नुकसान ना फायदा। किधर मिलनी है फिर? वो सामने पीछे मिलनी है तेरे को। मेरे को टैक्सियां नहीं लेनी, ज्यादा बकवास नहीं करते यहाँ पर। ये वाली गाड़ी बिल्कुल मेरे दोस्त के पास है, मैं सोच रहा हूँ यही लेते हैं एकदम। बाकी 999 में दे दूंगा, कोई बात नहीं। तू 10 दे दे, बाकी 999 में दे दूंगा। तो लिटरली गाइस यही गाड़ी मेरे दोस्त के पास है, आपने शायद वीडियो के अंदर देखी भी होगी। और जे भाई ये वाली गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है यार, एक्चुअली बहुत पसंद है यार, देख रहा है। तो ये है 20 तो डबल बजट होगा इसका। जे कुछ करना भाई, कुछ काम करना। क्या खुली है? अरे तो लॉक करके रखी है सारी गाड़ी लोगों ने। मुझे अपनी गाड़ी का कलर ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर ये गाड़ी मेरे को एग्जैक्टली सिल्वर में मिलती है ना, सिल्वर ये दूसरी ये बजट देखे 23,000 है ये। तो गाइस वही, और ये व्हाइट वाली भी कितनी मस्त लग रही है भैंस। क्या कितने ऑप्शन है यहाँ पर यार, देख खोल के देखियो खुली है क्या। और बैठ जाते। तो ये रही अंदर से, ये क्या कोट पैंट का कपड़ा सिलवा दिया यहाँ पर लोगों ने भाई, को बिठा दिया। वो देख रहे उसकी एनिमेशन देखी, क्या मस्त एनिमेशन थी वहाँ पर। यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेलेंगे गाइस कंट्रोलर के साथ, ये देखो यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर सीटें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, दो सीटें पीछे एक सीट यहाँ पर, और ये गैंगस्टर वगैरह बिल्कुल सेम है आगे पीछे यार वाली। और ये देख सबसे बेस्ट चलती कैसे है, चला इसको। और GTD GTA लिखना खतरनाक है। तो गाइस ऑब्वियसली फुली ऑटोमेटिक है, तो ये प्लस पॉइंट। और ये देखो शटर लगा के रखा है यहाँ पर इन लोगों ने, ये तेरा गोप्रो वगैरह के लिए, ये वीवो वी यहाँ पे टट्टी करे। तो सारा गाइस घूमने फिरने के बाद हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी हमको चाहिए वो बिल्कुल बजट में है नहीं। देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है लेकिन एक भी बजट के अंदर नहीं आ रही है, बजट में नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो अपना बजट इंक्रीज कर या तो उनको बोल गाड़ियों की प्राइस सस्ती करे। कार्ड दिया मेरा जरा। लेकिन गाइस गुड न्यूज भी है, मेरे को अभी पप्पू का फोन आया। पप्पू आपको पता है ऑब्वियसली शॉप के अंदर काम करता है और दिन में हजारों लोगों से मिलता है, लिटरली हजारों लोगों से मिलता है। और उसने मेरे को फोन करके बताया कि एक हमारा लोकल कस्टमर घर के पास में ही रहता है और वो वोल्सवैगन गोल्फ बेच रहा है बिल्कुल जो हमको चाहिए, जो मैं वहां पर देखी। कितनी थी उसकी प्राइस? 24,000। एक काम करते हैं गाइस, मैं उससे जाके बात करता हूँ, अगर डील हुई तो मैं व्लॉग उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। सारी गाड़ियां मैंने देख ली, तो एक मर्सिडीज थी, एक गोल्फ थी और एक दूसरी गोल्फ थी। जो पहली वाली थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन जो दूसरी वाली है वो मैंने ले ली, और तीसरी वाली जो मर्सिडीज थी वो बजट के बाहर थी। तो ये रही गाइस अपनी नई वाली गाड़ी की चाबियां, एकदम ब्रांड न्यू वाली फील आ रही है। थेरा कांग्रेचुलेशंस ब्रो, लेट्स गो। तो गाइस ये रही अपनी ब्रांड न्यू वाली गाड़ी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं गाड़ी को देख के। तो ये रही गाइस अपनी गाड़ी बाहर से, सबसे पहले मैं आपको उसके टायर दिखा रहा हूँ, एकदम सॉलिड एलॉय है, देख रहा है खतरनाक है ना। चल चार्ट अभी इसको। तो यार गाड़ी के अंदर चार टायर हैं, ऑब्वियसली थोड़े बहुत मार्क्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यार इतना चलता है, बजट में थी तो इतना चलता है। और पीछे यहाँ पर भी ये जो है थोड़ा बहुत काला हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअली अच्छा लग रहा है, दूर से थोड़ा बहुत यूनिक लग रहा है यहाँ पर। और अगर साइड से दिखाऊं तो ये हमारी पेट्रोल की टंकी जो की ऑब्वियसली खाली है, तो मैंने भर दी इसको भी। तो ये है अपनी डीजल गाड़ी अंदर। मेन चीज पता क्या है, यहाँ पर दो डोर है, तो मेरे को ये डोर खोल के सीटें आगे पीछे करने की झंझट लेनी ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सीटें भी गाइस एकदम सुपर मस्त है, और अंदर से भी इसने पूरी क्लीन करके रखी हुई है, मस्त है ना। खुशबू देख रहा है, खुशबू आ रही है नई गाड़ी की गाइस, स्मेल एकदम बढ़िया। और अगर अंदर आके बैठ के देखे तो छदा बोला आप कुछ है। कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू भाई। तो ये रही गाइस अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी, अभी मेरे को एयरपोर्ट जाने में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साले थैंक यू मेरा, साले तूने मेरी गाड़ी खराब कर दी पूरी। मेरे को गाड़ी चाहिए भी नहीं थी लेकिन तेरी वजह से मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी, पाहे तूने दिए। चल तो ये गाड़ी गाइस मेरे को पड़ी टोटल 9,000 की, तो यार 1,000 इसका बच गया चोंगो बंदे का। चला मेरे को पैसे दे वो 1,000, वो 1,000 हम स्पेन में उड़ाएंगे। और एक बात मैं बोलना भूल गया, ये है गाड़ी अपनी फुली ऑटोमेटिक। तो मेरी पुरानी वाली गाड़ी थी वो एकदम मैनुअल थी, तो अब भी फुली ऑटोमेटिक
दैट गियर चेंज करने का मसला ही खत्म। और अब तो है भी गर्मियां, एसी फुल ब्लास्ट पे करके चलाइयो। एक काम करते गाइस, मेरे पास मसाला आइडिया है, घर से पेचकश लेके आता, छत भी खोलते हैं इसकी कन्वर्टर। तभी मैं आपको गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, बहुत तेज भागती है। तो ये चाबी जाएगी यहाँ पर, और अगर स्टार्ट करके देखे तो ये देख आगे वाली गाड़ी उड़ जाएगी, अंदर तो मिसाइलें लगी है गाड़ी। और ये वाला बटन देख रहे गाइस, इससे ऑटोमेटिक पार्किंग होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी साले ये इलन मस्क के पास नहीं होगी। नॉस वाला बटन कहाँ पे, पहले नॉस वाला बटन ढूंढ भाई। ये गलत बात है, गाड़ी के अंदर नॉस तो होना चाहिए यार। कौन सी गाड़ी, बसों में नॉस लगा होता है आजकल, तेरे को पता है। बट एनीवेज गाइस, यार थैंक यू सो मच जे। तो अभी मैं थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो और हमारी नई गाड़ी भी एकदम से आ चुकी है। एंड लेट्स गो। वो कितनी फास्ट भी नहीं है, ठीक है, मैं तो ज्यादा नाटक कर रहा था। ऐसे गाड़ी एकदम मस्त है, स्मूथ ड्राइव है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ऑटोमेटिक है तो गियर का झंझट कुछ नहीं है। और मेन बात, मैं अपनी फोन यहाँ पर भी रख सकता हूँ और पूरी ब्लॉगिंग कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। लास्ट वाली गाड़ी में आपको पता है गाइस, कभी फोन रखता हूँ फोन गिर जाती है, तो लोचा बहुत ज्यादा था। तो गाइस एक गाड़ी ये रही जो कि अवेलेबल थी। ये पता है, ये गाड़ी हमेशा मेरे घर के सामने खड़ी है, मेरे को आज पता लगा ये फोर सेल पे थी। और बेच कौन रहा है, नाव कबूतरा वाला बंदा। इधर देखा, ये कबूतरा वाला बंदा, ये घर देख रहे हो, घुसने मुंह के अंदर। तो नाव वाला पड़ोसी बेच रहा, मेरे को पता भी नहीं था। और एक दूसरी गाड़ी थी बिल्कुल सेम इसी तरह, वो अभी यहाँ पर खड़ी नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेना ऐसे। और सारा दिन घूमने फिरने के बाद, गाड़ी पूरी टेस्ट करने के बाद अभी आ चुके हैं चाय पीने। चाय का खर्चा भी तू दे रहा ना। जिंदगी में इतना प्रमोशन बीएनक्यू वालों का और चाय वालों का मैंने जिंदगी में नहीं किया, इतना प्रमोशन मैंने खुद का नहीं किया भाई। अरे आज तो खिड़की के पास बैठ के भैंस के चाय भी ये पिला रहा यार, नाइस। रोज ऐसे मेरी सेवा करेगा रोज। आज तो गाइस जे भाई अपने फुल सेवा कर रहे हैं। जो जो गाड़ी चाहिए ले, चाय पीने ले, कपड़े उतार रहे ये ले ले, वैसे कुछ ले ले तो ले ले। अभी गाइस सारा काम खत्म करने के बाद अभी मैं और जे आ चुके हैं यहाँ पर कार्डिफ गुरुद्वारे। तो गाइस अभी गुरुद्वारे से बाहर अभी हम आ चुके हैं, और अभी इसको ड्रॉप करना है घर, उसके बाद मैं भी घर जा रहा हूँ, पैकिंग वगैरह कर देते हैं। तो बोल रहा हूँ प्लीज चलना यार, मजा आएगा यार, प्लीज रिक्वेस्ट। देख गाड़ी में इतना खर्चा हो गया, भाई की उसमें खर्चा करवाना चाहते मेरे से। मेरा फर्ज था कहना, मैंने तेरे को कह दिया, बाकी तेरी मर्जी ब्रो। मैंने लिटरली गाइस अभी इसको ड्रॉप किया, और अभी मेरे को भी घर जाना है और एडिटिंग वगैरह करनी है, बहुत सारा काम है। मैंने तो अभी कुछ भी बुक नहीं किया, मेरे को गाड़ी बुक करनी ताकि एयरपोर्ट की पार्किंग कर सकूं, मेरे को होटल वगैरह बुक करने है। अकेले जाने पंगा ये होता है, सारे काम भैंस की खुद करने पड़ते हैं। और एकदम से नई गाड़ी एकदम से सेट हो चुकी है, एकदम सुपर सुपर स्मूथ है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोस्त मालकम का फोन आया था और मेरे को बोल रहा है कि तुम चौमू बंदे सुबह बाइकिंग करने जा रहे हो और मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके पास पंप नहीं है, तो मुझे ये पंप वापस जाके उसको देना है। एक्चुअली में पंप उसी का है, तो ये मैंने इतनी देर तक रखा, मेरे को लगा मेरा है, तो अभी ये छोड़ के आना उसके पास। उसको ये देने से पहले मुझे अपनी बाइक के पहले पहिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार मैंने दे दिया, बाद में मेरे को नहीं मिलना ये। मेरे को लगता है कि खुद का पंप लेना पड़ेगा यार, और जाने दो मेरे को यार, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ भाई, प्लीज। पता नहीं पंप नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये ले। और अभी सारे काम गाइस खत्म हो चुके हैं, मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ। बहुत खतरनाक लेवल की भूख लग रही है, और एक्चुअली काम खत्म नहीं हुए, अभी काम शुरू हुए हैं, मेरे को सारी पैकिंग करनी है। तो यार कल करेंगे, एब्सोल्युटली कल करेंगे, तो मेरे से और कुछ नहीं होने वाला, मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी है और ढेर सारे काम है। तो चलिए गाइस, मेरे को तो इस ब्लॉग में बहुत मजा आया, अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।